पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पारशिवनी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े तालाब पूरी तरह भर जाने से जहां वहां पर जल जलाव की परिस्थिति बनी हुई है, जबकि भारी बारिश की वजह से अनेक गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। छोटे बड़े तालाबों में क्षमता से ज्यादा पानी भरने से पानी रास्तों पर बहने से आवागमन पर असर हो रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को और आने जाने वालों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह पेच जलाशय के 16 दरवाजे से पेच नदी में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पेच नदी में उफान आने की संभावना जताई जा रही है। आसपास के गांवों को पहले से ही प्रशासन ने आगाह किया हुआ है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को खेतों में भारी जलजला होने से कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अनेकों किसानों की फसल इस बरसात के पानी से बहने की जानकारी मिली है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नदी नालों में उफान आने से छोटे बड़े वाहनों को आने जाने में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति तहसील क्षेत्र के कई इलाकों में बनी हुई है। प्रशासन ने इस ओर जागरूक रहते हुए आपातकालीन परिस्थिति में मदद करने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानी बनी रही तो भारी तबाही का अंदेशा जानकारों के अनुसार बताया जा रहा है। पिछले साल पेच नदी में बाढ़ आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उसी तरह अगर इस साल भी बारिश ने अपना कहर जारी रखा तो नदी किनारे बसने वाले गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करने की मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। पेच पांड बंधारे विभाग के अभियंता सावरकर ने बताया कि पेच नदी में जलाशय का पानी छोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांव वालों को पहले ही सूचना दी गई है। मागील बाजूपासून मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागामध्ये उसाचा पाऊस पडल्याने जलाशय पूर्णतः भरले आहे। तरीही या जलाशयामध्ये तोटाडोह चौऱ्या धरण या धरणाचं कुठेही पाणी आलेलं नाही आहे। ही मुसळ पावसाचं पाणी असल्याने या जलाशय क्षमतेच्या पेक्षा जास्त पाणी होत असल्याने देखील मुख्य अभियंता कार्यकारी अभियंता आणि सुशासनाच्या वतीने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आला। त्यामुळे आज सकाळपासून या भागामध्ये अशी परिस्थिती असल्याने या भागामध्ये पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात तिकडे गर्दी होऊ लागली आहे। पोलीस प्रशासनाचं इथे आपली व्यवस्था केलेली आहे आणि पर्यटक मोठ्या प्रमाणात या भागात येण्याची शक्यता आहे। तरी नदीकाठच्या गावावरील गावकऱ्यांनी सावधता बाळगण्याची गरज आहे। पाण्याची क्षमता अधिक वाढल्यास या धरणातून अधिक पाणी सोडण्याची आवश्यकता भासू शकते, त्यामुळे गावकरी सतर्क राहावे असा इशारा अभियंता सावकर यांनी दिलेला आहे। मुख्य प्रकल्पामध्ये मागील 24 तासात 140 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाल्यामुळे हा प्रकल्प 100% भरलेला आहे। त्यामुळे आज सकाळपासून 16 गेट 30 सेंटीमीटरनं उघडून आताच्या परिस्थितीमध्ये 16 गेटे 50 सेंटीमीटरनं उघडण्यात आलेले आहेत व त्यातून 860 क्युमिक डिस्चार्ज वाहत आहे। पेंच नदीमध्ये आता सोडण्यात आलेल्या विसर्गामुळे सध्या अशी कुठलीही धोकादायक परिस्थिती निर्माण होणार नाही। सध्या पेंच धरणामध्ये 100% पाणी साठा झालेला आहे व पर्जन्यमानानुसार येणाऱ्या वेळेनुसार जेवढं पाणी येईल तेवढं पाणी नदीमध्ये सोडण्यात येईल। दरवाजे 50 सेंटीमीटरनं उघडून 860 क्युमिक विसर्ग वाहत आहे। ठीक आहे। पारशिवनी तालुक्यातील पेच जलाशय हे प्रसिद्ध असून या जलाशयाचं पाणी क्षमता 100% पूर्ण झालेली असून जर या जलाशयात जास्तीत जास्त पाणी थांबू नये त्याकरिता येथील अभियंते सावरकर यांनी या धरणाचे प्रशासनाच्या आदेशानुसार या धरणाचे 16 दरवाजांचे उघडलेले आहेत त्यात थोड्या प्रमाणामध्ये पाणी पेच नदीमध्ये विसर्ग केलं जात आहे। त्यामुळे कुठलीही परिस्थिती धोकादायक सध्या परिस्थितीत नाही आहे, पण जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर येथील पाटबंधारे विभागाचे अभियंते एकदम जागरूक असून 24 तास या धरणावर थाळ मांडून आहेत की कुठलीही अशी परिस्थिती उद्भवू नये। पण मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील नदी नाले आणि जलाशय पूर्णतः भरले असून रस्त्यावर पाणी वाहत आहे। त्यामुळे प्रशासनानं आपत्कालीन परिस्थिती पाहता इथे मदत करण्यासाठी टीम तयार ठेवावी अशी
आज आवश्यकता निर्माण झालेली दिसून येत आहे। मी रुपेश खंडारे, बीसीए न्यूज, पारशिवनी। पारशिवनी से बीसीए न्यूज के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।